हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नए अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे एम्स नॉर्सेट की फॉर्म के साथ आई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का फॉर्म आ चुका है, जो हमारा नॉर्सेट का फॉर्म है और सबको इसका बेसब्री से इंतज़ार था। तो 12 अप्रैल से, मीन्स कि 12 अप्रैल 2023 से इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो लोग बीएससी नर्सिंग किए हैं उनके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री विद द रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, जो लोग डिप्लोमा किए हैं, मीन्स कि जिनके पास जीएनएम का सर्टिफिकेट है, जो लोग जीएनएम किए हैं उनके पास 50-bedded हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी हम इस एम्स नॉर्सेट के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो एम्स का फॉर्म भरने के लिए 18 से 30 साल हमारा एज लिमिट होता है। इसके बाद कैटेगरी वाइज कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, उसके बारे में अभी हम लोग अपने आगे वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट, हम बात करें अगर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो जनरल और या फिर ओबीसी का जो फ़ीस होता है वो 3000 होता है, मींस कि 3000 रुपये में इसका फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं। वहीं अगर एससी और एसटी की बात करें, तो एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 2400, मींस कि 2400 रुपये में ये फॉर्म फिल होगा। ठीक है, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन थी एप्लीकेशन के फ़ीस से रिगार्डिंग। इसका जो ऑनलाइन मोड होगा, एग्ज़ाम होगा, वो ऑनलाइन मोड सीबीटी मोड पे होगा, जो कि हमारा 3rd जून को है, जो कि सैटरडे के दिन पड़ रहा है, राइट। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ जनरल कंडीशंस के बारे में, तो ये जो फॉर्म है वो 12 अप्रैल 2023 से लेके 5 मई 2023 तक फिल होगा, राइट। इसके लिए हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और उन डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि हमारे जो भी एज का होता है वो मार्कशीट्स, और फिर हमारे कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि हमारे कास्ट सर्टिफिकेट जो भी होती है उसका, जैसे कि जो ओबीसी होता है उसके पास ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी वालों के पास एससी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सारे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी मैं ये पीडीएफ अपने इस वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगी, जिसको आप लोग पढ़ के आराम से अपना जानकारी बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग अगर एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं एससी एसटी में 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, मींस कि 35 साल तक ये लोग फॉर्म अपना भर सकते हैं। ओबीसी की लोग 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मीन्स कि 33 साल तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी के लोग को 40 साल तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी के लोग 43 साल तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, इट मीन्स कि इनको 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है। पीडब्ल्यूबीडी प्लस एससी एसटी के लोग 15 ईयर्स का इन लोग को रिलैक्सेशन मिल रहा है, और जो एक्स सर्विस मैन है, और जैसे कि ईसीओ हो गए या फिर एसएससीओ लोग हो गए, इन लोग को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है। और नेक्स्ट, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय के लिए भी कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसको आप लोग आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं कि कास्ट कैटेगरी का सबके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगर कि जो कैंडिडेट्स डिसेबल हैं उनके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइक कोई भी डिसेबिलिटी है उनके पास, तो वो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे मींस ओएल सर्टिफिकेट, मींस कि 1 लैग उनका डिसेबल है, या फिर वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, एलडी है, तो ये सारे उनके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो सबको पता है कि सीबीटी मोड पे हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है, तो जाइए अपने जल्दी से अपने फॉर्म को फिल करिए और इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा एक बार अपने फॉर्म को फिल करने से पहले। तो अगर थोड़ा सा हम लोग बात करें स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो टोटल 200 MCQ आने वाले हैं, जो कि हमको 3 घंटे में सॉल्व करने हैं, यानी कि 180 मिनट्स में हमको सॉल्व करने हैं, और हर यहाँ पर गलत
गलत आंसर देने पे 1/3 मार्क्स हमारे डिडक्ट होने वाले हैं। अगर हम इसके बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो क्वालिफाइंग मार्क्स है हमारा यू आर कैटेगरी मीन्स की अंडर रिजर्व कैटेगरी और ई डब्ल्यू एस के लिए 50% है, वहीं ओ बी सी के लिए 45% है, एस सी एस टी के लिए 40% है, यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करें सिलेबस की, तो हम लोग को पता है बी एस सी नर्सिंग जी एन एम जितना भी हम लोग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो सारे हमारे सिलेबस हैं। हाँ, कुछ हमारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ हमारे माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स जैसे कि हमारे एम एस एन हो गया, हमारा फंडामेंटल हो गया, ओ बी सी गायनी हो गया, साइकेट्रिक हो गया, एम एस एन हो गया, ये सब सारे हमारे 5 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं और सारे हमारे माइनर हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी है, साइकोलॉजी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, ये सारे हमारे माइनर सब्जेक्ट्स हैं। इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे ओ बी जी वाई, साइकेट्रिक, पीडियाट्रिक और एमएसएन से क्वेश्चन फंडामेंटल से ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और 20 मार्क्स तो हमारे होते हैं जनरल नॉलेज के और मैथ्स के और रीजनिंग के। ठीक है, तो अभी हमारे पास फॉर्म फिल करने के लिए 5 मई तक डेट है, लेकिन तो अपनी प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास बस 50 दिन बचे हैं, तो लग जाइए अपनी प्रिपरेशन में और फॉर्म को आप लोग फिल कर लीजिए। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।